देवेंद्र जी, अभी आप रांची के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे, सहायक पुलिस का समर्थन करने गए थे। जो आपकी हालत जो है नाजुक लग रही है, कितनी लाठियां पड़ी आपको? लाठी तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बताया 18 जगह गंभीर चोट है। 18 जगह गंभीर चोट है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया। रिपोर्ट में बताया 18 जगह गंभीर चोट है जिसका शरीर में, माथा में है, कंधा में है, हाथ में है, जांग में है, कमर में है। क्या आपको स्पेशली टारगेट करके भी मारा गया है क्या देवेंद्र जी? क्या स्पेशली आपको टारगेट किया गया था क्या? हाँ, हम कह सकते हैं, इसलिए कि जब ये घटना घटा तब हम शांतिपूर्ण बैठे हुए थे जमीन में, और बैठे हुए को आ करके घेर करके जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आज जो और हमारे साथ जो 20-22 साथी आज एडमिट है, वो हमारे ऊपर जो लाठी पड़ा था माथा पर, उसको अपने ऊपर लिया। अगर ये लोग आज मेरा माथा के ऊपर जो लाठी फेरा गया था उसको ये लोग साथी लोग अपने ऊपर नहीं लेता, शायद अभी हम आप लोग के बीच नहीं होते। लेकिन ये तमाम लोग, ये साथी लोग जो एडमिट हैं, मेरे माथा पर जो लाठी घुमाया गया था इसको ये लोग अपने ऊपर लिए, उसके बावजूद 18 जगह चोट लगा। तो इससे हम यही कहेंगे कि हमको टारगेटेड करके आज मर्डर करना था, आज हमको जान से मारने का साजिश था। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जान से मारने का पूरा पूरी साजिश था, क्योंकि हम आराम से बैठे हुए थे और बैठे हुए को इस तरीके से करना साफ संकेत है कि हमको जान से मारने का साजिश था। लेकिन ये साथी लोग, मेरा माथा के ऊपर चलाया गया लाठी को अपने ऊपर लेकर के आज मेरा जान बचा है। और अभी थोड़ा देर पहले हम होश में आए हैं। जी, बेहोश थे हम लोग, आपका लगातार वीडियो कवर कर रहे थे, उस समय भी आप बेहोश थे। और कब आपको होश आया? जी, अभी कुछ देर पहले मेरा सलाइन चढ़ा, इंजेक्शन पड़ा, ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद अभी 15-20 मिनट पहले मेरा अभी होश आया है। और हम यही कहेंगे कि लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलता, सरकार नियम कानून संविधान से चलता है। आज हमको तब जाना पड़ा जब 17 दिनों से हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानी सहायक पुलिसकर्मी लोग को मैदान से निकलने नहीं दिया गया। पिछले 7 साल पहले जो ज्वाइनिंग किए थे और 10,000 रुपया उनको दिया जा रहा था, 7 साल में 7 पैसा नहीं बढ़ा, महंगाई बढ़ता जा रहा। ऐसा दृश्य देखे हम कि जो ऐसे ऐसे नवजात बच्चा थे जो सिर्फ माँ का दूध पर ही निर्भर रहते थे, कई बहनें गर्भवती स्थिति में थी जिसका मातृत्व विशेष अवकाश का प्रावधान है कि उसको विशेष सुविधा में रहना चाहिए था, और 17 दिनों से भारी बारिश में, खुले आसमान में, और इतना बढ़िया ड्यूटी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में करते हैं, 12 जवान शहीद भी हुए, 4 दिन पहले 1 जवान और शहीद हुआ था। तो हमको अंदर से अच्छा नहीं लगा। फिर हम कल घोषणा किए थे और ये भी कहे थे कि शाम तक में अगर सरकार हमारी बात मानेगी तो हम नहीं जाएंगे। देवेंद्र जी, प्रशासन के इस बर्बरतापूर्ण को और सरकार के इस रवैये को से आप क्या सीख मिलता है आपको, क्या आगे भी इस प्रकार के आंदोलन कीजिएगा? देखिए, आंदोलन तो हम कह ही दिए हैं, कई बार करें फिर पुनरावृत्ति करें कि हम मर भी जाएंगे ना, इस मिट्टी में मिल भी जाएंगे ना, तो इस तरीके से हो रहे अन्याय को खिलाफ हम लड़ेंगे। हम अभी भी कुछ देर पहले हमारा बहुत स्थिति खराब था, दवा चलने के बाद एक बार और हम गंभीर स्थिति में आए थे, उस समय भी हम कह रहे थे कि आखिर मेरा क्या कसूर है। देखिए, इस राज्य के अंदर पूजा सिंघल जैसे, वीरेंद्र राम जैसे, प्रेम प्रकाश जैसे, पीके मिश्रा जैसे अनेकों नाम हैं जो यहाँ के कोयला को, पत्थर को, बालू को, जमीन को, सबको बेच के ख़त्म कर रहे हैं। अधिकारी पदाधिकारी लूट रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे कानून अंधा हो चुका है। लेकिन हम लोग निहत्थे आज शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगने जा रहे हैं, अपना भूख मिटाने की बात कर रहे हैं, अपना रोटी मांगने जा रहे हैं, उसको इस तरीके से बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना, यही संकेत है कि राज्य बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है। यह दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में जो अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करना, उसको भी छीना जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि लाठी डंडा से नहीं चलता है। मेरा बदन पे पड़ा एक एक लाठी का बदला हम विधानसभा चुनाव में लेंगे, मेरे बदन पर पड़ा एक एक जूता चप्पल
का बदला हम विधानसभा के चुनाव में लेंगे और घूम घूम के पूरे झारखंड को हम यही कहेंगे कि किस तरीके से राज्य का दशा और दिशा है और राज्य को जागरूक करेंगे। और ये चोट हमको अंदर से और मजबूत किया और हम हॉस्पिटल से निकल के सीधे जनता के बीच जाएंगे। इस चोट से आप डरे नहीं है, घबराए नहीं है बिल्कुल भी? एकदम नहीं। हम जिस प्रकार से देवेंद्र नाथ महतो पहले लोगों के लिए खड़ा रहते थे झारखंड के आदिवासी मूल वासियों के लिए, वैसे ही खड़ा रहेंगे हमेशा? हाँ बिल्कुल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, अंतिम सांसों तक रहेंगे। हम अभी तक यदि बोले हैं तो ये कोई बार बार बोले हैं ना, तो ये कोई हम ऐसे ही नहीं बोले हैं कि हम बोल दिए, ये मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं था। हम मेरा अंतरात्मा से हम वादा किए खुद पर, किसी और पर नहीं किए, नहीं कि जनता को वादा किए, आप अपने आत्मा से हम कहाँ कहाँ चोट लगी है थोड़ा सा प्रेम जी दिखाइएगा तो थोड़ा सा माथा 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 से। देखिए यहाँ पे पहला चोट जो है यहाँ जूता से लगा है, दूसरा साइड भी इधर है, दूसरा मोबाइल घुसा दीजिएगा तो पैसा आएगा, थोड़ा सा दूर से लीजिएगा। ये फेस पे देखिए बायां साइड जो है जूता का है, जूता का मार है, और उसके बाद ये देखिए बायां हाथ पे यहाँ लाठी का मार है, और सबसे गहरा ये चोट देख रही है, दो चमड़ी जो है दो भाग में बट गया है। उसके बाद जो है सो ये देखिए कोहनी पेहनने के पास सिंगल हड्डी है, यहाँ पर जो एक्सरे आया है उसमें भी गहरी चोट दिखा रहा है डॉक्टर, थोड़ा सा एक्सरे भी हुआ इनका? हाँ, टूटा फूटा नहीं ना हाथ वाथ? नहीं, बहुत लक्की बचा है। अच्छा, बच गए? बहुत लक्की बचा है, और लोग बचाए हैं, जो 20 तो महिला जो ऊपर से घेरे इनको, लाठी खाए इनका, हाँ, लाठी वो वीडियो में दिख रहा है, विजुअल में दिख तो रहा है। वो उसके कारण इनका जान आज बचा है, और ऐसे और नीचे भी चोट है। ये बताइए राज्य के जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं देवेंद्र जी? थोड़ा समय पीछे कीजिएगा प्लीज। हम बिल्कुल देना चाहेंगे कि आखिर राज्य का स्थिति क्या हुआ है, कि एक तरफ लूट डकैत बड़े बड़े अपराध का काम, बलात्कार भ्रष्टाचार किसी को जान से मारने तक का, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी तरफ संवैधानिक तरीके से अपना जिंदा रहने के लिए रोटी का मांग को लेकर के निकलते हैं तो बेरहमी से मार होता है। ये मार कोई मार था, ये मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, इसको मार नहीं कहते हैं, इसको मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, और ये टारगेटेड था। तो इसको यही कहेंगे कि राज्य बहुत गंभीर और दुखद स्थिति से गुजर रहा है, सभी कोई को जागरूक होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, और ये सरकार जो लाठी डंडा के दम पर चलाना चाहती है, ये तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन लोग के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करके इन लोग के हाथों से पुलिसिया लाठी, पुलिसिया वाटर कैनन का ताकत, आंसू गोला का ताकत को छीनना है। जब तक पुलिसिया ताकत को, इस तानाशाही बेशरम सरकार को हम लोग नहीं छीनेंगे, तब तक यहाँ झारखंडी आदिवासी मूलवासी का कल्याण नहीं हो सकता है। यही मेरा संदेश है, इसीलिए समस्त झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर सब कोई जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन झारखंडियों के हाथ में शासन आएगा, फिर इस तरीके का दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा, और सबका हित में काम होगा, झारखंड हित में नीति बनेगा, कानून बनेगा, सब कुछ होगा। शुक्रिया।